हेलो बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ थर्मामीटर तापमापी क्या होता है। सामान्य डिस्क्रिप्शन है इसका आपके एग्रीकल्चर में, कृषि में, एग्रोमेट्रोलॉजी में इसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। ये मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, हम लोग साथ ही में देखेंगे, इसमें ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर देखेंगे, हाइग्रोमीटर देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे होंगे या पीएटी की तैयारी में लगे हुए होंगे। थर्मामीटर से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आज का ये टॉपिक, थर्मामीटर। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं, थर्मामीटर का सामान्य उपयोग क्या है, किस तरीके का उपयोग हम इस यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो थर्मामीटर होता है दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, टू ग्रीक वर्ड्स मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, कितने ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टू। फर्स्ट ग्रीक वर्ड इसका आता है थर्मस। ठीक है, फर्स्ट ग्रीक वर्ड क्या आता है, थर्मस, जिसका मीनिंग्स होता है हॉट या गर्म। ठीक है, और दूसरा मेट्रॉन्स, दूसरा ग्रीक वर्ड है मेट्रॉन्स, इसका मीनिंग्स होता है डिवाइस, मतलब एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा उपकरण, डिवाइस या उपाय या युक्ति या यंत्र बोल सकते हैं इसको, मतलब गर्माहट नापने का उपकरण है थर्मामीटर, इससे ये समझ में आता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन में चला जाता हूँ। ठीक है, तो थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेज़र टेम्परेचर आर आर टेम्परेचर ग्रेडियंट, अर्थात थर्मामीटर एक ऐसा युक्ति या जो उपकरण है जो ताप को मापता है या ताप की प्रवणता को मापता है। किसको मापता है, या तो फिर टेम्परेचर को नापता है, ठीक है, टेम्परेचर को नापता है, ठीक है, या टेम्परेचर ग्रेडियंट्स को नापता है, तापी प्रवणता को नापता है। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को मापता है ये, क्लियर है। कहने का मतलब ये हॉटनेस, गर्माहट और कोल्डनेस दोनों को मापने का यंत्र है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इससे, हॉटनेस एंड देन कोल्डनेस मापने का ये यंत्र है। ठीक है, इसमें दो मुख्य बिंदु होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो थर्मामीटर होता है उसमें दो एलिमेंट मेन होंगे, इसमें टेम्परेचर सेंसर होता है एक, ठीक है ना, टेम्परेचर सेंसर, इसके टू एलिमेंट, देयर आर टू एलिमेंट, दो तत्व होते हैं थर्मामीटर के, एक को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये जो टेम्परेचर सेंसर होता है आप लोग जानते हैं इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं मरकरी से भरी हुई बल्ब। ठीक है, नहीं बल्ब, कांच का एक बल्ब है जो किससे भरी हुई है, बल्ब फिल्ड विथ मरकरी। मरकरी, ठीक है, किससे भरा हुआ है, ये मरकरी से भरा हुआ रहता है। ये किसमें होता है, ग्लास थर्मामीटर में होता है। ये किसमें है, होता है ग्लास थर्मामीटर में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्लास थर्मामीटर। ठीक है, जो कांच की नली वाली थर्मामीटर आती है वो इसमें होता है। ठीक है, और अभी जो क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मामीटर जो चल रहा हो, जानते हो आप लोग, देखे होंगे अभी कोरोना टेस्ट के समय डॉक्टर्स के हाथों में देखे होंगे, पायरोमेट्रिक सेंसर उसमें लगा होता है, पायरोमेट्रिक सेंसर लगा होता है। ठीक है, जो इंफ्रारेड, इंफ्रा रेड थर्मामीटर में होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, इंफ्रारेड थर्मामीटर। क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा इसका एलिमेंट होता है सम मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग दिस चेंज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू, अर्थात कुछ ऐसा यंत्र या उपकरण है, मतलब इसी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा कंटेंट है जो टेम्परेचर को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करता है, इसको रीड करता है टेम्परेचर को,
टेम्परेचर को पहले रीड करेगा, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। तो इसके दो एलिमेंट हो गए, एक टेम्परेचर या एक थर्मामीटर के। क्लियर है? थर्मामीटर के अगर हम लोग टाइप्स में जाएंगे तो इसके दो प्रकार बनते हैं थर्मामीटर के। थर्मामीटर के कितने प्रकार बनते हैं? दो प्रकार बनते हैं। कौन कौन सा? टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर के दो प्रकार मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट टाइप्स में आप लोग लिख सकते हैं एनालॉग, एनालॉग थर्मामीटर, ठीक है। हो सकता है कि नाम सुन रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एनालॉग थर्मामीटर है सभी ने देखे हैं, बहुत कॉमन है ये, ठीक है। एनालॉग थर्मामीटर आप सभी ने देखे हैं, इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि एनालॉग थर्मामीटर की संरचना कैसे होती है। और दूसरा जो होता है ये होता है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर इसको भी आप जानते हैं, इसको भी आपने देखे हैं, भली भांति परिचित है इससे भी, एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ रहता है। एनालॉग जो थर्मामीटर होता है ये ग्लास ट्यूब विथ मरकरी बल्ब, अब बता देता हूँ आपको, ग्लास ट्यूब से बना होता है, एक कांच की नली होती है ग्लास ट्यूब, उससे बना होता है। इस फील्ड विथ मरकरी मरकरी पारा भरा होता है उसके ट्यूब में। डिजिटल जो डिजिटल थर्मामीटर होता है इसमें इन्फ्रारेड का उपयोग होता है, जैसे हमने पढ़ा अभी इन्फ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है ना, उसमें सेंसर के रूप में जो काम करता है। तो डिजिटल में इन्फ्रारेड थर्मामीटर काम करता है, जो टेम्परेचर पढ़ के किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, थर्मो स्कैन इसके अंतर्गत आता है। थर्मल स्कैन अभी सुन रहे होंगे आप लोग, थर्मल स्कैन काफ़ी प्रचलित, काफ़ी रिलेवेंट है अभी के टाइम में। थर्मल स्कैनिंग चल रहा होगा कोरोना पेशेंट्स का, या चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया वो कंटेंट जो शुरुआत में आपको बताना था। अब मैं आता हूँ सीधे सीधे कि जो एनालॉग थर्मामीटर है वो होता कैसे है, और जो डिजिटल थर्मामीटर है वो होता कैसे है। सिंपल सी सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ आपको, ये जो थर्मामीटर है इसमें इधर बना देता हूँ ना, फर्स्ट एनालॉग थर्मामीटर बना रहा हूँ मैं। क्या होता है? कांच का एक बल्ब होता है, कांच का एक ट्यूब या नली का होती है, ये रहा आपका एक ट्यूब, ठीक है। इसको हम ऐसे पैक कर लेते हैं, ये कांच की हो गई ट्यूब। इस ट्यूब को आपने सभी देखे होंगे, काफ़ी लंबे रहती है ट्यूब, और फिर ये लगभग इस प्रकार का ऐसा हो जाता है, ये इस प्रकार का, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इस प्रकार का आपने संरचना देखे होंगे, ठीक है। एक तरफ आपको देखने पे ये समझ में आएगा कि यहाँ पर एक काला गोल घेरा दिखाई देगा इतने दूर में, और ये जो बल्ब होगा मरकरी का बल्ब होगा, एच जी बल्ब, ऐसा लिख देता हूँ मैं, एच जी बल्ब, मरकरी से भरी हुई बल्ब, ठीक है। और बीचों बीच एक नली बनी हुई रहती है, यहाँ पर ये ऐसे नली बनी हुई रहती है सेंटर में। अब नली बनी हुई रहती का मतलब हमने कहा ना एक नली का लेंगे, तो ये नली है, ठीक है, इससे कनेक्ट रहता है बल्ब से। और इसमें एक साइड में आपने देखे होंगे ऐसा मार्किंग लगा हुआ रहता है, मार्किंग देखे होंगे आपने, जीरो कहाँ से शुरू करना है आप लोग कर लीजिए, ठीक है, इसके ऐसे मार्किंग रहता है, ठीक है। ये टेम्परेचर बताने वाला सिस्टम होता है, ठीक है, पैमाना होता है इसमें। ऐसा कर लेते हैं अपन 10 डिग्री ऐसा कर लेते हैं, फिर 20 डिग्री कर लेते हैं, 30 डिग्री समझने के लिए पर्याप्त है, 40, 50, 60 एट्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में, किसमें? डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और इसी में दूसरी तरफ और रहती है, यहाँ पर काफ़ी कम पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसको हम कहते हैं फारेनहाइट। क्या बोलते हैं? फारेनहाइट। इधर भी मार्किंग रहता है, ये डिग्री फारेनहाइट को दर्शाता है, मतलब एक साइड में डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाता है तो एक तरफ डिग्री फारेनहाइट को दर्शाता है, ठीक है। ये लोअर टेम्परेचर हो गया, लोअर टू हायर, ये लोअर, ठीक है, ये हो गया लोअर को हम लोग कहते हैं, अगर यहाँ पर मैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड लिख दूँ तो ये इसका होगा फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात इस बिंदु पर अगर टेम्परेचर होता है, इसके नीचे होता है तो
फ्रीजिंग पॉइंट में जो पानी होगा वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीग्रेड में अगर कहें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और फ़ारेनहाइट में अगर कहें तो -32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा लिखते हैं इसको। ये याद रखेंगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट है दोनों, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। अब अगर बात करें हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन ऊपर और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ऊपर हायर टेम्परेचर अगर हो गया तो ऊपर का हायर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, पॉइंट क्वथनांक बिंदु कहते हैं, उबलने वाला, जिस टेम्परेचर पर पानी उबलना शुरू हो जाएगा। आपको पता है पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग कहें तो फ़ारेनहाइट में आपको पता है ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इतने में पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैंने सेंटीग्रेड सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट पर दोनों पर बताया। मनुष्य के शरीर का सामान्य टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में कहें तो सेंटीग्रेड में होता है 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये बढ़ के 36 हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है। पहले ये था, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो शरीर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। पहले 96 डिग्री फ़ारेनहाइट होता था, अब ये बढ़कर हो गया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये याद रखोगे आप लोग। 37 डिग्री नॉर्मल मनुष्य का टेम्परेचर और सेल्सियस में, और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं आगे आ रहा हूँ, ये था एनालॉग थर्मामीटर था, कौन सा थर्मामीटर है, ये एनालॉग थर्मामीटर, ध्यान से देखिए, ये एनालॉग थर्मामीटर ये वाला था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल थर्मामीटर, यहीं पर बता देता हूँ डिजिटल थर्मामीटर, इसी के नीचे डिजिटल थर्मामीटर भी आपने देखे होंगे, कई लोग इसका उपयोग भी करते होंगे। चलिए इसका भी मैं थोड़ा सा आरेख बना देता हूँ, डिजिटल थर्मामीटर इस प्रकार की संरचना में ये बना हुआ रहता है। बहुतों ने देखे होंगे, आजकल अधिकतर के घर में ये खरीद के रखा जाता है फीवर वगैरह टेस्ट करने के लिए, नापने के लिए, लगभग इस प्रकार की संरचना रहती है इसके। इसमें भी क्या रहता है, शुरुआत में एक पॉइंट दिखाई देगा, बिल्कुल डार्क दिखाई देगा, यहाँ पर क्या भरा रहता है, मरकरी एच जी मरकरी का सेंसर होता है, पारे का सेंसर होता है, समझ रहे हो। ये पूरा पैक्ड रहता है, प्लास्टिक के जार से पैक्ड रहता है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितना टेम्परेचर है। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगा और वो दिखाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.00 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर एक स्विच पॉइंट रहता है, स्विच, यहाँ पर स्विच लगा हुआ रहता है, बना देते हैं स्विच को भी, स्विच रहता है, ठीक है। आप देखे होंगे इस थर्मामीटर को, ये होता है डिजिटल थर्मामीटर होता है ये, ठीक है। डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस रहता है ये, आसानी से उपयोग करने में सावधानी होती है, अगर गिर भी जाए तो दिक्कत नहीं होता, शायद ये फाइबर का, प्लास्टिक का बना होता है, ऐसे मटेरियल का बना होता है, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी लूज़ होता है, ठीक है, गिर भी जाए तो टूटने का डर नहीं होता। लेकिन ये ग्लास का बना हुआ रहता है, इसको उपयोग में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है इसके उपयोग के दौरान, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एनालॉग और डिजिटल थर्मामीटर। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, 10-70 AD में हीरो ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये भी आपको जानना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री में थोड़ा हिस्ट्री जान लीजिए, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया AD, कितने AD, 10-70 AD के आसपास इन्होंने ये थर्मामीटर का डिस्कवर किया था, रचना किया था, ठीक है। और फिर मॉडर्न थर्मामीटर आज जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो इटली के एक साइंटिस्ट थे, इन इटली, नाम था सेंटोरियो सेंटोरियो ऐसा नाम था इसका, ठीक है। इन्होंने
लगभग 1612 के आसपास, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है, 16 to 17 सेंचुरी में, शताब्दी में मॉडर्न थर्मामीटर का निर्माण किया था। उसके बाद में आता है डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 1714 के आसपास जर्मनी का जो साइंटिस्ट था, इन्होंने एक और जर्मनी, ठीक है, इन्होंने एक माइक्रो थर्मामीटर का उपयोग किया था, थर्मामीटर का निर्माण किया था। गैलीलियो गैलीली ने भी जो सेंटोरियो का निर्माण है, इसी पर कार्य किए थे गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। ये हो गया आपका टेम्परेचर या थर्मामीटर, ठीक है। अगर प्रकार में जाएं तो सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और रूमर, तीन पैमाने होते हैं इसके, क्या क्या होते हैं, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और र्यूमर, ऐसा नापते हैं इसको। तो अगर सेंटीग्रेड में, अगर हिमांक में जाए तो हिमांक सेंटीग्रेड में 0 डिग्री, फारेनहाइट हिमांक में 32 डिग्री, और र्यूमर में हिमांक अगर जाए तो ये भी 0 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे इसको, ठीक है, FP लिख देता हूँ मैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट में जाऊँ तो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसमें उबलता है, वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, तो जो सेंटीग्रेड है उसमें बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जो फारेनहाइट होता है उसमें 212 डिग्री होता है, 100 डिग्री 212 डिग्री, और जो र्यूमर स्केल होता है, ठीक है, उसमें 80 डिग्री होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक का दूसरे में, इसके लिए फार्मूला ये बनता है C/100 = बराबर, देखिए पूरे टेम्परेचर प्रणाली में, पूरे यंत्र में कैसे इसका मान निकालते हैं, ऐसा F-32/180 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर होता है R/80 के बराबर होता है। यहाँ पर जो CFR लिखा है, इसका मीन्स जीरो होगा, CFR का मीन्स जीरो होगा इस फार्मूला में, ध्यान में रखोगे, ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा। इस आधार पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक का दूसरे में कन्वर्शन कर सकते हैं। अब आपको ये जानना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मापने के लिए मैक्सिमम एंड देन मिनिमम थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। जितने भी प्रकार के लेबोरेटरीज होते हैं, लैब होते हैं, उसमें 24 घंटे के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर जो होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मामीटर जो होता है, इसमें जो इंडिकेटर होता है, सूचक जो होता है, वो पारा या आयरन होता है, Fe लोहा, ठीक है। और जो मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर मापने का जो यंत्र होता है, इसमें जो इंडिकेटर होता है वो अल्कोहल होता है, OH लिख रहा हूँ ना मैं, अल्कोहल के लिए OH, अल्कोहल होता है, या क्या बोलते हैं, ग्लास का एक कोई सूचक होता है, ग्लास कांच का बना हुआ एक सूचक होता है। इसके माध्यम से अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है। ज्ञात करने का टाइम क्या है, सुबह 8:30 बजे प्रातः, ठीक है, और शाम को इवनिंग में 5:30 को ज्ञात करते हैं, ऐसा ज्ञात करते हैं। और उसके बाद उसका एवरेज निकाल लिया जाता है और तापमान बता दिया जाता है कि आज का तापमान इतना है, ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर या ताप थर्मामीटर, आपको समझ में आया होगा। मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ इसमें ड्राई एंड वेट थर्मामीटर क्या होता है, जिसको हाइड्रोमीटर के नाम से जाना गया है, ड्राई एंड वेट थर्मामीटर। देखिए ड्राई एंड वेट थर्मामीटर, ठीक है, ये भी बहुत ईजी, अगर ये थर्मामीटर आपको समझ में आया होगा तो वो थर्मामीटर भी आपको आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फटाफट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यह है ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर, ड्राई एंड वेट थर्मोमीटर, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। इसको एक साथ हिंदी में कहते हैं शुष्काद्र बल्ब तापमापी, सूखा और गीला, सीधा से बात, शुष्क और आद्र, शुष्क और आद्र, शुष्काद्र बल्ब
तापमापी कहते हैं। ठीक है, ये भी एक उसी तापमान जो अभी तापमापी अभी जो हमने पढ़ा, तापमान मापने का यंत्र पढ़ा, उसी प्रकार की ये भी रचना होती है। ठीक है, अंतर सिर्फ होता ये है कि वेट के लिए थोड़ा सा बदल जाता है, तो मैं आपको वेट के लिए बताना चाहूँगा। ठीक है, एक थर्मामीटर जो होता है, बोल के बता रहा हूँ ना, एक छोटा सा डायग्राम मैं आउटर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। ये एक तापमापी, एक थर्मामीटर। ठीक है, इसमें नीचे जो बल्ब होगा, ठीक है, इसमें पारा भरा होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, और दूसरा जो थर्मामीटर होता है, दूसरा जो थर्मामीटर होता है, इसके बल्ब पर यहाँ पर भी पारा भरा हुआ है। अब इसके बल्ब में हम क्या करते हैं, मखमल के कपड़े या कॉटन को लपेट देते हैं, ऐसा मखमल के कपड़े या कॉटन को लपेट देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की इसके संरचना ऐसा बना देते हैं अपन, आपको समझने के लिए। और ये डूबा हुआ रहता है एक ऐसे पात्र में, सॉरी यहाँ से बना रहा हूँ ना, एक ऐसे पात्र में जहाँ पर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी या जल भरा हुआ है, ये ऐसा वाटर, ये उससे भीगा रहता है। मखमल का कपड़ा या कॉटन क्या होता है, भीगा हुआ रहता है। और ये ऐसे खुला रहता है, मतलब एक बल्ब खुली हवा में रहता है और दूसरा बल्ब जो रहता है मखमल के भीले कपड़े से लपेटा हुआ रहता है, या कॉटन जो कि एक तरफ पानी से भरे हुए पात्र रहता है उसमें डूबा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों जो थर्मामीटर होता है क्लिप की सहायता से दीवार पर चिपकी हुई रहती है। ठीक है, अपन ऐसा क्लिप बना देते हैं। क्लिप क्या है, बोलेंगे क्लिप क्या है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इस एक पात्र में फिट करने का उपकरण है। ऐसा क्लिप द्वारा लकड़ी के एक गुटके में इसको फिट कर देते हैं। किस में फिट कर देते हैं? लकड़ी के एक गुटके में फिट कर देते हैं, इस प्रकार का। ये लकड़ी का तख्ता हो गया, समझ लो। ठीक है, ये ऐसा, ये इस प्रकार का ऐसा बना देते हैं इसको। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, ये लकड़ी के तख्ते में फिट रहता है। जितना आर्ट्स आप करना है कर सकते हैं, या जितना कलाकारी करना है आप कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है। फिलहाल मेरे पास समय की कमी है तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, और इसको ये ऊपर की तरफ हम लोग किस में लगाते हैं, ऐसा दीवार में लगा देते हैं ऐसा, ये ठीक है, नट बोल्ट टाइट कर देते हैं या किसी चीज़ में फंसा देते हैं। ठीक है, बीचों बीच एक स्केल होता है यहाँ पर, ऐसा दोनों के बीच में क्या रहता है, स्केल ऐसा लाइन खींचा हुआ रहेगा ऐसा, और दोनों में टेम्परेचर रहता है, सेम टेम्परेचर, ये ऐसा समझ रहे हो, ऐसा टेम्परेचर का पैमाना रहता है। ये टेम्परेचर का जो पैमाना है अंकों में रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10, फिर थोड़ी दूर में 20, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर भी 20, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो वाला है, ये वाला मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ड्राई और इसको बोलते हैं वेट। वेट इसलिए क्योंकि इसको हमने गीला रखा है, नमी दे रहे हैं उसको, समझ रहे हो आप? ठीक है, इसको ऐसा फिक्स्ड करके रखते हैं एक लकड़ी के तख्ते में, लकड़ी के गुटके में। अब क्या होता है, जब हम इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिए रहते हैं, तब जो भीगे बल्ब वाला जो थर्मामीटर है, ये खुले बल्ब वाले थर्मामीटर की अपेक्षा कम टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा नली रहती है ना बीच में, मैंने पहले बताया था, ये इस प्रकार की नली रहती है। इस नली में क्या होता है, इस नली में क्या होता है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, पारा मरकरी ऐसे ऊपर चढ़ते जाता है, ऊपर चढ़ते जाता है। इसमें भी ऐसा बीच में एक नली बना हुआ रहता है, क्योंकि कांच की एक ट्यूब है। ठीक है, ये नली बना हुआ रहता है, इसमें भी पारा क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। ये जो बल्ब है, यहाँ पर पारा भरा हुआ है, बल्ब है, पारा भरा हुआ रहता है, ऊपर चढ़ता है जब टेम्परेचर उसको मिलते जाता है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए, अगर वायु में आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी कम होती है, तो जो बल्ब का जल है, इस बल्ब का जो पानी है, वो वाष्प बनकर उड़ता है, समझ रहे हैं? अगर वायु में आर्द्रता कमी होती है, इन एटमोसफियर
इन एटमॉस्फियर ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी अगर कम है तो कम होने के कारण क्या होगा, वेपोरेट होगा, वाष्पित होगा। वाष्पित होने से क्या होगा, जो बल्ब होगा वो कूल रहेगा, हमेशा ठंडा रहेगा। ठंडा रहने के कारण जो वेट वाला है उसका टेम्परेचर कम बताएगा, और जो ड्राई वाला है, क्योंकि टेम्परेचर है तभी तो पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है, वाष्प बनकर उड़ रहा है तो बल्ब ठंडा है, ठंडा इसलिए कम बताता है। लेकिन अगर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कम है, अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बताएगा। समझ में आया, दोनों के अंतर को हम एक चार्ट की सहायता से लिखकर अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्ञात कर लेते हैं, अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों के तापमान में अंतर है, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी जल धारण वायुमंडल का वाष्प जल वाष्प धारण करने की क्षमता में भी अंतर आ गया है। ठीक है, दोनों तापमापी में अगर अंतर कम आता है, दोनों टेम्परेचर में अगर तापांतर कम आता है, ठीक है, तो हम जानेंगे कि वाष्पन की जो क्रिया है वो बहुत साधारण है और आर्द्रता अधिक है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, अभी जो मौसम वेधशाला है, जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित लेबोरेटरी है, वहाँ पर इसी प्रकार के आर्द्रता लेके शुष्क आद्र बल्ब तापमापी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, इसको बोलते हैं ड्राई एंड वेट थर्मामीटर बोलते हैं, इसके अलावा अभी ज़्यादातर पर हाइग्रोग्राफ आर्द्रता लेखी के द्वारा आर्द्रता ज्ञात की जाती है वेधशाला में। ठीक है, एक घूमने वाले बेलन पर कागज चिपका देते हैं, और जब वो आगे बढ़ते जाता है, ऐसे आगे बढ़ते जाता है, आर्द्रता कम या ज़्यादा होते जाता है, तो सुई की सहायता से पेपर पर अंकित होते जाता है, लेखा चित्र बनते जाता है। ठीक है, ये आर्द्रता ज्ञात करने के लिए हो गया, ह्यूमिडिटी ज्ञात करने के लिए हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोहाइग्रोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसमें थर्मो मतलब टेम्परेचर भी ज्ञात करते हैं, टेम्परेचर भी ज्ञात करेंगे, और हाइग्रो मतलब ह्यूमिडिटी या आर्द्रता भी ज्ञात करते हैं, ह्यूमिडिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से बड़े गौर से तैयार कर लीजिए, डायग्राम आप बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको अब सिंपली समझाने के लिए ऐसे बनाया है। ठीक है, आप पेन पेंसिल का उपयोग करिए, स्केल का उपयोग करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए इसको, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जितना अच्छा समझेंगे उतना फ़ायदा आगे जाकर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया टेम्परेचर मापने का एक डिवाइस जिसको आप लोग कहते हैं थर्मामीटर। इसमें दूसरा पार्ट मैंने बताया ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से, कृषि मौसम विज्ञान के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसकी तैयारी इसको अच्छे से समझ कर कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।